पूजा था, उस पूजा का डिटेल मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी। कल एक और पूजा है, तो वो जो पूजा नॉर्मल, आज का पूजा तो बहुत सिंपल सा नॉर्मल सा था, कल का पूजा शायद कुछ थोड़ा सा क्या कहते हैं अच्छा सा होगा, लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे तो मेरी मैं शूट करूं। और आज का जो पूजा था वो घर में ही हुआ है, और मैं थोड़ा सा डिटेल दूँ क्योंकि मुझे ना इसकी कुछ इंटरेस्टिंग बातें मुझे पता चली थी ना, तो मुझे लगा था कि मैं ब्लॉग में बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि यहाँ मुझे पता, मैं कभी आती नहीं हूँ गांव से, मुझे उतना आइडिया नहीं है। करी दे तो ये कि ये चिड़िया जो है येलो कलर का, ये देखिए कितना सुंदर है, पता नहीं मैं कैमरा रख कर आ गई हूँ, मोबाइल में अच्छे से दिख नहीं रहा है यार। गांव आने का यही फ़ायदा है, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही है। यही ऐसा बर्ड मैंने नहीं, सॉरी कैमरा कहाँ चला गया, ऐसा बर्ड मैंने नहीं देखा था। मैं कोशिश करती हूँ कैमरे में कैप्चर करने का। ओह शिट, हाँ अभी भी है, ये देखो आपको दिख रहा है येलो। एक एक कैसे खुल गया स्लीपर, पहन लो उसको, पहन लो पहन लो, मिट्टी कैसे पहनेगी, बहुत मुश्किल होता है इसको स्लीपर, ऐसा स्लीपर पहनाना, बड़ी मुश्किल से पहनाया था, एक एक निकाल दिया, तब से बेचारी एक पैर में स्लीपर पहन के ये घूम रही है, बट ट्राई कर रही है दूसरा पहन कर। मिठू आ जाओ, तो ये स्लीपर पहनो, ये लो। पर मैंने उस बर्ड को कैप्चर करने का कोशिश किया है बट हो नहीं पाया है, वो चला गया है। तो उस पूजा के बारे में बात करी थी, तो वो पूजा के बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी, देखती हूँ आज क्या होता है। आज का दिन तो ऑलमोस्ट निकल चुका है, सुबह से मैं एक्चुअली इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी ना, सुबह 4 बजे ही हम लोग सब उठ गए थे। मीठी को सुबह के 4 बजे उठाना, मतलब कि अब क्या बताऊँ, मतलब इतना परेशान किया। उसके बाद फिर बारिश होने लगी है, जो गाड़ी हम लोगों ने बुक किया था वो आया नहीं, दूसरा गाड़ी बुक करना पड़ा, फिर यहाँ तक आए। ऐसे तो जर्नी लंबा नहीं था, 1 घंटे का ही था, बस बारिश की वजह से बहुत रास्ता ख़राब था। तो हम लोग आए हैं, फिर आने के बाद मम्मी पूजा में इन्वॉल्व हो गई, मैंने खाना वाना बनाया, फिर नहाना धोना। और वहाँ क्या था, अभी हम लोग मामा जी के घर पे इन्वर्टर था, लाइट जाता था पता नहीं चलता था, और जहाँ अभी चीज़ें नहीं सेटल हुई है, मम्मी ने कोशिश किया कि इन्वर्टर खरीद लो, लेकिन मैंने मना कर दिया कि ठीक है 2-3 दिनों के लिए, अभी तुम क्या जल्दी जल्दी में चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वो मीठी की वजह से सोच रही थी कि इन्वर्टर ले, कहीं परेशानी होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बारिश वरिश आ जाता है तो फिर रात में ठंड लगने लगती है, तो मैंने मना कर दिया। तो फिर और फिर इन्हीं सब चीज़ों में गर्मी की वजह से लाइट वाइट चली जा रही है, तो फिर दूसरा काम भी नहीं हो पा रहा था। फिर हम लोग, मैं मेठी दोनों सो गए हैं, सो के अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उठे हैं, तो मैंने थोड़ा सा अपना एडिटिंग का काम किया है, और उसके बाद फिर मम्मी गई थी कुछ चीज़ें ये सब गद्दे वद्दे लाने के लिए, तो वो आया है। तो अब 2 दिन मुझे और यहाँ रहना है, 21st को मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, मम्मी रुकेंगी, उनका कुछ और भी काम है, कुछ पूजा हो रही है, मम्मी रुकेंगी, मैं चली जाऊँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से, जा रही हूँ चाय बनाने, सूट के उठे तो चाय नहीं पिया है, मम्मी भी आ गई तो चाय बनाती हूँ, सब चाय पीते हैं, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। यह है फ्यूज़, इसे खोलने के तो ये लगी गरम गरम, किसी कपड़े की हेल्प से खोलना होगा। वहाँ का लाइट नहीं खुला तो मैंने ये जो बाहर का था वहाँ से खोला इसको, और खोलने के बाद यहाँ लगाने के बाद पता चल रहा है कि लाइट फ्यूज नहीं था, यहाँ के एक्चुअली स्विच में ही कुछ इशू है। फाइनली डन 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 डन, ये एक्चुअली मैंने क्या किया, ये जो बाहर का लाइट था उसकी वायरिंग, यहाँ से ये कनेक्शन था यहाँ पर प्लग, क्योंकि ये भी जुगाड़ी लगा था, क्योंकि यहाँ का लाइट ख़राब हो चुका है तो यहाँ लगा हुआ था। तो मैंने क्या किया कि वहाँ से वायरिंग खींच कर लेकर आई हूँ, यहाँ लटका दिया है, और यहाँ ये स्विच लगा दिया ऑन, और इस रूम में हो गई है लाइट।